हेलो वियर्स, आज का सुविचार। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे, ये तो आपके हाथ में है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। मनुष्य की वास्तविक पूंजी धन नहीं बल्कि उसके विचार हैं, क्योंकि धन तो खरीदारी में दूसरों के पास चला जाता है, पर विचार अपने पास ही रहते हैं। ये सुबह तुम जब भी आना, सबके लिए खुशियां लाना, हर चेहरे पर हंसी सजाना, हर आंगन में फूल खिलाना। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहिए। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर, सब कुछ देता है वो सही वक्त आने पर। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि दुनिया में कोई असली चुंबक है, तो वह है आपका प्रेम और आपका व्यवहार। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख, नफरत के लिए वक्त ही न रहे। याद रखें, दुनिया में खाली व्यक्ति ही सबसे अधिक दुखी रहता है। जिंदगी के रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, बल्कि विपरीत हालातों में हाथ थामने से आता है। हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे अपने आप पहुंच जाती हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम चाहे दिखाई ना दे, मगर महसूस जरूर होता है। मनुष्य की उन्नति संपत्ति से नहीं, सद्गुण और सद्बुद्धि से होती है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन फल भोगने में मनमानी नहीं हो सकती। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता, घर में स्त्री, ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथ में होती है। महान सफलता हासिल करने वाले कभी भी फालतू बातों में समय व्यर्थ नहीं करते। वे रचनात्मक तरीके से सोचते हैं और वे जानते हैं कि उनके सोचने का स्तर ही उनकी सफलता निर्धारित करेगा। किसी को भी सबक सिखाने की जिद मत करो, क्योंकि सबक किसी को सिखाए नहीं जाते बल्कि सीखने पड़ते हैं। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे ना करे। सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है, जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, पर हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। प्यार, सम्मान, आत्मविश्वास और आस्था के साथ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। यदि खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो सदा दुखी ही रहते हैं। जब समय खराब हो तो आपको डुबोने में ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें आपने तैरना सिखाया है। बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ो। यादों के पन्नों से भरी है जिंदगी, सुख और दुख की पहेली है जिंदगी। कभी अकेले विचार करके देखो, संबंधों के बगैर अधूरी है जिंदगी। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी। तुलना में गुजारो तो बड़ी पस्त है जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो बड़ी सुस्त है जिंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बेस्वाद है जिंदगी। सत्संग में गुजारो तो गुलजार है जिंदगी, सिमरन में गुजारो तो भव पार है जिंदगी। व्यूअर्स, मिलते हैं कल ऐसे ही एक सुविचार के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।